नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एसीएन भारत। आई नजर डालते हैं भोपाल मेट्रो बुलेटिन पर। प्रदेश में हर रोज कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1577 नए मरीज मिले। इंदौर और भोपाल कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सेंटर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 74,000 टेस्ट रिपोर्ट किया, जिसमें से 1577 लोगों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, प्रदेश में मौजूदा समय में 5044 एक्टिव केस है। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते सबसे बड़ी राहत यह है कि ज्यादातर मरीज एसिम्टोमेटिक है, जिसके जरिए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं बन रही। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, कोरोना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक जिलों की प्लानिंग रिपोर्ट बना रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि 10 जनवरी से 60 वर्ष से ऊपर और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन नेटेड करने का प्रोग्राम चलाया जाएगा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हमने लगभग 74,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 1577 पॉजिटिव हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 5044 हमारे एक्टिव केस हैं। एक सुखद बात यह है कि वैक्सीनेशन के सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। बहुत तो ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, पर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। पर हमें हम सबको सतर्क रहना है, और इसीलिए हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की किसी ने बेरहमी से गला रेत कर हत्या की थी। शव की तलाशी में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर अंधे कत्ल के इस मामले में सुराग जुटाने में लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार साक्षी ढाबे से केरवार डैम को जाने वाले मार्ग पर स्थित विस्परिंग पाम कॉलोनी के सामने पुलिया के किनारे लोगों ने खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली। इस दौरान युवक के जेब से 50 रुपए राशि, गुटखा का पाउच और मास्क मिला। शव के आसपास के क्षेत्र की भी खोजबीन की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मृतक की शिनाख्त हो सके। तो रातीबड़ में साक्षी ढाबा जो है उसके आगे एक पुलिया के नीचे हमको एक डेड बॉडी मिली है, जिसके गले पे कट के मार्क्स हैं। जो बॉडी है वो लगभग 40 साल के व्यक्ति की है, और संभवतः ये मर्डर लग रहा है प्राइमा फेसी। तो अभी इसकी जांच जारी है, जैसे ही कुछ खुलासा होता है आपको बता दिया जाएगा। किसकी बॉडी एक नहीं, अभी तक पहचान नहीं हुई है। जो व्यक्ति है, लड़का है, आदमी है 40 साल का, अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आधार कार्ड वगैरह, कोई वोटर आईडी, अभी तक कुछ नहीं मिला। भोपाल के जहांगीराबाद स्थित शासकीय रशीदिया स्कूल में भोपाल पुलिस और चाइल्डलाइन ने संयुक्त रूप से साइबर फ्रॉड व बढ़ते महिला अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर DCP साई कृष्णा, ACP अभिनव विश्वकर्मा के साथ चाइल्डलाइन के अधिकारियों ने स्कूली छात्राओं को साइबर अपराध जैसी घटनाओं की रोकथाम व महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। सेमिनार के दौरान छात्राओं को बताया गया कि आए दिन महिलाओं व छात्राओं के प्रति साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें सूझबूझ और समझाइश के साथ कम किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया, आज के दौर में हर किसी की जेब में मोबाइल फोन है, और स्वाभाविक है सभी मोबाइल फोन यूजर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसी का फायदा उठाकर अपराधी श्रेणी के शरारती तत्व महिलाओं और छात्राओं की फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम आदि प्रोफाइल को हैक कर अश्लील फोटो, वीडियो, मैसेज आदि के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं। छात्राओं को बताया गया कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें और किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। उन्होंने कहा, महिलाओं व छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह तुरंत महिला हेल्प डेस्क पर कॉल करें।
आज जो पुलिस विभाग की तरफ से साइबर क्राइम विभाग की तरफ से हमारे बच्चों को और शिक्षकों को जो मार्गदर्शन दिया गया है साइबर क्राइम के ऊपर से, वो बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ चीज़ें जो आज तक हम भी नहीं जानते थे वो हमारे बच्चों ने जानी, और बच्चों ने जानी साथ साथ शिक्षकों ने भी जानी। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे क्योंकि विगत दो वर्षों से कोरोना के कारण जो बच्चे मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं उन्हें उनके उपयोग से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पता थे जो आज उन्हें पता है, क्योंकि बच्चे जिज्ञासावश इंस्टा और फेसबुक सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन उससे क्या नुकसान हो सकते हैं ये बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं पता, ना पेरेंट्स ने बताया ना शिक्षक ने बताया। लेकिन आज जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया वो बहुत ही अच्छा था, हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। हम लोग तो बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके दुरुपयोग हमें भी नहीं पता थे जो आज हमें पता रहा है, पता चला है। बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, बच्चे जो नहीं जानते उन सब बातों से बच्चे परिचित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। क्या होना चाहिए बार बार इस तरह के जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है बच्चे व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, टीवी में कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, सबको जानकारी नहीं होती है। यदि इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे तो बच्चे जागरूक होंगे और जो गलतियां होती है वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। अभी हम लोग कमिश्नरेट की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सकता है बच्चों में आउटरीच बढ़ाएं। हमको इस टाइप की खबर मिली थी कि या फिर इस टाइप की सूचना मिलती रहती है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं, पेरेंट्स कतराते हैं क्राइम रिपोर्ट करने में। तो चाइल्ड लाइन की मदद से हम लोगों ने सोचा कि लगातार ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई सीनियर अधिकारी आकर बच्चों से इंटरेक्ट करे और उनको साइबर के जो अपराध हैं उनके बारे में अवगत कराएं। तो यहाँ पे रशीदा स्कूल में हमने सेशन किया जो बहुत अच्छा रहा। कल हमने कन्याशाला स्कूल में भी किया था जहाँ पे बच्चों का रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी बच्चों ने ऐसे ऐसे डाउट्स पूछे जो हमने सोचा भी नहीं था कि बच्चे पूछेंगे। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल बच्चों को बताया गया कि कुछ भी इशू होता है तो किस तरीके से वो साइबर हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चाइल्ड लाइन से संपर्क में आ सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि इस टाइप का हम लोग और स्कूल में भी करते रहें। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का महिला के बालों पर थूकने वाला विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में जावेद हबीब के सेंटर को बंद करवा दिया। कट्टर हिंदुवादी छवि के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी इस मामले में सामने आया है। रामेश्वर ने एक विशेष समाज पर निशाना साधते हुए कहा ये भी जिहाद का एक रूप है। बीजेपी विधायक ने कहा ऐसे लोगों से हिंदुओं को जागरूक करना होगा। शर्मा ने कहा जिन लोगों की थूकने की मानसिक है अब हिंदुओं को उन पर थूकना शुरू करना होगा। शर्मा ने कहा ऐसे लोगों की दुकानों पर जाना बंद करें जिनकी मानसिकता जिहादी है। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है, आटे में थूक देते हैं, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इतने ध्यान रखो ये जो थूकने वाले लोग हैं जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं इनके खिलाफ, इनके इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दे किसी को बहन बेटी। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके, बल्कि तुम उनके थूको। ठीक है कि नहीं बताओ, गलत है कि नहीं। और इसलिए इस बात का भी ध्यान रखकर लोगों में जन जागृति करना है। बरेली में आयोजित मुस्लिम धर्म सांसद के द्वारा आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया जो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मुस्लिम धर्म सांसद ने मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और मौलाना पर कार्रवाई की मांग की है। खून के घोट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आप लोगों से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को मर लाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आपको, शर्म नहीं आपको, खून के आंसू से है उनका घूम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन अमान चाहते हैं लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है।
अब सफर का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव गांव जाता हूँ, बस्ती बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस बस से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर सशक्त हो गया। उससे बाद में कहते हैं तुम तो मुर्दे हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान के कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं। मौलाना भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और पाकिस्तान की शब्दावली इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मौलाना जी को कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर विचार करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये विघटनकारी ताकतों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जेल के पीछे होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गंगा भक्तों से मकर संक्रांति पर गंगा सागर न पहुंचने की अपील की है। साथ ही उमा भारती ने गंगा सागर यात्रा निरस्त करने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कार्यक्रम को रद्द करने की सूचना जारी करते हुए लिखा, माँ गंगा मेरी परीक्षा ले रही है। उमा भारती ने ट्वीट में घोषणा की है, कोरोना संक्रमण के कारण मैं गंगा सागर यात्रा निरस्त कर रही हूँ। बहुत बड़ी संख्या में मेरे गंगा भक्त आत्मीय जन 14 जनवरी मकर संक्रांति को गंगा सागर पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं सूचना दे रही हूँ कि वह सब अपना प्रोग्राम निरस्त कर दे। उमा भारती ने लिखा, मैं 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति को गंगा सागर पहुंचने वाली थी, लेकिन आज फिर से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते मुझे अभी तक 14 जनवरी को गंगा सागर पहुँचने की अनुमति क्या है कर नहीं दी है। तेजी से संक्रमण बढ़ने के चलते आपको अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। फिलहाल भोपाल मेट्रो बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एशियन भारत के साथ। नमस्कार।